चलिए गाइस, अब देखते हैं प्रोविडेंट फंड। तो मैं पहले इसका लॉजिक आपको समझा देता हूं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में ही नहीं आता है। तो क्योंकि उनका लॉजिक क्लियर नहीं होता है, उनको यही पता नहीं होता है कि इतने सारे जो फंड्स है, ये जो स्टैचूटरी दिख रहा है आपको या फिर रिकॉग्नाइज दिख रहा है, अनरिकॉग्नाइज, ये सब है क्या। तो अगर ये आपको समझ गया कि ये क्या है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं जाए। ओके तो पहले हम समझते कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, राइट। देखो, तो प्रोविडेंट फंड, फंड मतलब क्या बेटा, फंड मींस कलेक्शन ऑफ मनी, है ना, कलेक्शन ऑफ मनी, पैसे का कलेक्शन एक पुल में करना, एक पुल में पैसा आना, इसे अपन क्या बोलते हैं, फंड। और प्रोविडेंट मतलब क्या, सेविंग, प्रोविडेंट मतलब सेविंग। तो एम्प्लॉयज का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा एक फंड में जाता है, ये एक फंड है मान के चलो। इस फंड में ये पुल ऑफ मनी, इसमें पैसा क्या होता है, कलेक्ट होता है। और फिर जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है, तब ये पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है, राइट। तो अब देखो इसमें क्या रहता है कि इसमें ये एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर, लेट्स से कोई एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी पे कर रहा है, ओके। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज की सैलरी दे रहा है। तो ये 10,000 सैलरी में से वो एक अमाउंट डिडक्ट कर लेता है, मान के चलो 1,000 रुपीज, और वो अमाउंट डिडक्ट करके ये फंड में डालता है 1,000 रुपीज, है ना। वो ये फंड में डालेगा, कौन से फंड में, प्रोविडेंट फंड में 1,000 रुपीज वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये पैसा किसका है बताओ, एम्प्लॉय का पैसा, कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, एम्प्लॉय, उसी के सैलरी से काट के, उसी के सैलरी से मैंने पैसा काटा और वो फंड में जमा कर दिया, राइट। सो उसके हाथ में अब चले गए 9,000 रुपीज, ओके। अब ये हो गया एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं अपन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। बस इतना है कि कंट्रीब्यूट किसने किया है, एम्प्लॉयर, राइट, एम्प्लॉय की ही सैलरी से, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है। और फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर खुद अपनी जेब से, तो दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है और दूसरा रहता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ फॉर हिमसेल्फ, मतलब वो खुद क्या करता है, अपने ही पैसों से एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए करता है, ये 1,000 का एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के पैसे काट के, वो एम्प्लॉय के पैसे काट के ये फंड में डालता है। सो दैट इज विच कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये फंड में पैसा जमा होता जाता है, राइट। अच्छा, ये फंड जो रहता है ये कोई एक दो चार एम्प्लॉय का है क्या, नहीं, ये लाखों करोड़ों एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉय इंडिया में है उन सबका पैसा इसी फंड में आता है। सबका अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा, बट फंड एक ही रहेगा, और ये फंड में सबका पैसा फिर जमा होते जाता है, ओके। अब ये फंड जो है, ये फंड कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, जो मैनेजमेंट बॉडी है फंड की, वो इन्वेस्ट करते हैं कहीं पैसे को, और उस इन्वेस्टमेंट से इस फंड को मिलता है इंटरेस्ट। तो ये फंड में जो भी पैसा जमा हो जाएगा, ये फंड इसकी क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट, और फंड रिसीव्स इंटरेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। इतना सारा पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे और उससे क्या मिलेगा उनको, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये फंड की इनकम है, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स, ये सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट। तो सेक्शन 10 पूरा एग्जेम्पशन का सेक्शन है, जैसे कि हमने देखा सेक्शन 10, जो भी एग्जेम्पशन वाली इनकम है सब सेक्शन 10 में आते। तो ये जो इंटरेस्ट फंड को मिला, वो फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट। इतना समझ में आ गया, ग्रेट। अब जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया या एम्प्लॉयर ने किया, राइट, उसके लिए उनको भी इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो लोग यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन करे, तो फंड से उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहला इंटरेस्ट ये फंड को मिला, वो एग्जेम्प्ट है, उसको जाने दो।
अब ये फंड में जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो देखो क्या क्या हुआ यहां पे, कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया और वो एम्प्लॉय को कब मिलेगा, सब रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये सब पैसा जो जमा हो गया वहां पे, वो सब पैसा एम्प्लॉय को तब मिलेगा जब वो रिटायर हो जाएगा। तो कौन कौन सा पैसा देखो, पहला अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, है ना, एम्प्लॉय का पैसा। फिर दूसरा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया खुद की जेब से पैसा, वो भी मिलेगा इसको। फिर तीसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, और चौथा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। ये सब एम्प्लॉय को कब मिलेगा, जब वो रिटायर होगा, है ना। तो तब उसे क्या मिलेगा, ये सब पूरा पैसा मिल जाएगा, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ, फिर एम्प्लॉयर ने जो किया उसके बिहा वो खुद ने जो किया, फिर तीसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पूरा पैसा उसे मिल जाएगा। ओके, सो ये रहता है प्रोविडेंट फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। लॉ में भी आपने पढ़ा होगा कि एम्प्लॉय जितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है, ज्यादा भी कर सकता है। ओके, तो अब ये कितने प्रकार के होते प्रोविडेंट फंड, वो देखो, ये है प्रोविडेंट फंड। अब देखो कैसे होते प्रोविडेंट फंड, राइट। तो देखो इसमें पहला होता है एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर स्टैट्यूटरी, जो लॉ ने बनाया हुआ है, स्टैट्यूट मतलब लॉ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसमें एम्प्लॉयर कौन रहता है, जनरली गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रहता है। ओके, फिर दूसरा रहता है बेटा ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सेकेंड, राइट। अब इसमें दो पार्ट रहते, एक रहेगा गवर्नमेंट का फंड, मतलब जिसे मेंटेन कौन करेगा, गवर्नमेंट, और दूसरा रहेगा प्राइवेट फंड, प्राइवेट मतलब क्या, जैसे देखो अब ये तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए स्टैट्यूटरी, और मान के चलो कोई ऑर्गेनाइज रिलायंस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके रिलायंस क्या करता है, रिलायंस अपने एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड जमा करता है कहां, गवर्नमेंट फंड में। गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हुआ एक प्रोविडेंट फंड, उसमें एम्प्लॉयज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करता है और खुद भी कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करता है, किसमें, गवर्नमेंट फंड में। लेकिन मान के चलो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्फोसिस, अब उन्होंने बोला देखो हमें ना तो एक प्राइवेट फंड बनाते, अब एक हमारे इतने सारे हजारों एम्प्लॉयज है, अब हम गवर्नमेंट बराबर मैनेज करते हैं नहीं करते हमें नहीं मालूम, हम हमारा प्राइवेट फंड निकालेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठा कि प्राइवेट फंड तो बना लेंगे आप, बट आपने कोई उसमें गड़बड़ी किया तो कौन ध्यान देगा आपके ऊपर। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप इसका अप्रूवल दो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से प्राइवेट फंड के लिए, राइट। तो इफ द अप्रूवल इज टेकन, तो प्राइवेट फंड में भी दो पार्ट आ जाते, पहला है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर ये रिकग्नाइज कब बोलेंगे, जब अप्रूवल इज टेकन फ्रॉम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अगर अप्रूवल लिया है तो इसे रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोला जाएगा। कमिश्नर सब देखेगा बराबर है या नहीं है, ये मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने हैं क्या कि उनको प्राइवेट फंड खोलने की जरूरत है, एंड ऑल, राइट। और जो आपने रिकग्निशन नहीं लिया है अगर, तो इसे कहते हैं URPF, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, URPF, नॉट रिकग्नाइज्ड या नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो इसे अपन क्या बोलेंगे,
अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये बात कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। तो ईपीएफ में दो पार्ट हो गए, गवर्नमेंट का फंड या फिर प्राइवेट फंड। प्राइवेट फंड में भी दो, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ, ओके ग्रेट। और तीसरा रहता है फिर पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये किन के लिए रहता है? जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो ये जो सब है, ये सब में सैलरीड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते, बट मैं आशीष किसी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मेरा प्रोफेशन है, तो मेरे लिए क्या बनाया फिर? पीपीएफ। आपके पापा भी देखो पीपीएफ में पैसा डालते होंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एसबीआई के साथ इसका अकाउंट रहता है, एसबीआई में इसका अकाउंट ओपन करना पड़ता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, जो एम्प्लॉय सैलरीड है वो भी पीपीएफ खोल सकते, ऐसा नहीं कि सैलरीड एम्प्लॉय है तो फिर वो पीपीएफ नहीं खोल सकते, पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं खोल, ऐसा नहीं, राइट। तो सैलरीड एम्प्लॉय इधर भी आएंगे, ये स्टैट्यूटरी ईपीएफ में होंगे, और वो अपना पीपीएफ भी खोल सकते, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी खोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो विद दिस नॉलेज अब अपन शुरू करते ये टॉपिक, राइट, प्रोविडेंट फंड। देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट देखेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड, क्या टैक्स ट्रीटमेंट है? देखो पहला एम्प्लॉय, अच्छा ऊपर आपको दिया है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड और पीपीएफ। सब आपके दिमाग में, स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट सेक्टर, एम्प्लॉयर जनरली गवर्नमेंट होगा, आरपीएफ रिकग्नाइज्ड। अच्छा ये आरपीएफ जो है इधर, ये गवर्नमेंट फंड जो है ये आरपीएफ ही रहते, रिकग्नाइज गवर्नमेंट की हो, राइट। अनरिकग्नाइज्ड जिसका कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल नहीं है, और पीपीएफ, ओके। तो देखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अब गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी में देख रहे अपन, तो गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करवाता है, देखो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट, वो फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करवा रहा है, तो फिर वो क्या है? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, राइट। तो एम्प्लॉय, ये देखो ये फंड, ये पैसा किसको मिलने वाला है पूरा? ये जो फंड है ये फंड का पूरा पैसा किसे मिलने वाला है? ऑफकोर्स एम्प्लॉय को, राइट। अब इसमें एम्प्लॉय का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसमें एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है इस केस में, तो ये परक्यूजिट हो गया ना, लेकिन ये परक्यूजिट क्या है? एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में एग्जेम्प्ट। फिर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, कितना परसेंट? 12% तक। मतलब एग्जाम्पल जैसे रिलायंस का खुद का प्राइवेट फंड है लेकिन रिकग्नाइज्ड। अब रिलायंस कोई एम्प्लॉय को मान के चलो 1,00,000 रुपए पर मंथ सैलरी देता है, तो अब रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस एम्प्लॉयर सैलरी लेट से 1,00,000 और इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया 20,000, तो एग्जेम कितना रहेगा? अप टू 12% ऑफ सैलरी, मतलब 1,00,000 का 12% कितना आता है? 12,000। तो 12,000 तक एग्जेम रहेगा, मतलब ऊपर वाला जो 8,000 है वो 8,000 परक्यूजिट बोल के टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 8,000 वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, राइट, अप टू 12% इज एग्जेम्प्ट, ओके। अच्छा कम किया तो पूरा एग्जेम्प्ट, 10% ही किया तो पूरा 10% एग्जेम्प्ट, राइट। फिर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज के देखो, अरे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब एम्प्लॉयर जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट। अरे सर ये तो अनरिकग्नाइज अच्छा दिख रहा है, है? रुको, गड़बड़ मत करो, आगे देखो, अनरिकग्नाइज पूरा एग्जेम्प्ट दिख रहा है यहां पे, है ना, मतलब एम्प्लॉयर 10% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, 15%, 20%, 25%, 50%, कितना भी करो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो अभी गड़बड़ क्या होगी? तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि अरे साहब आप है ना मुझे सैलरी मत दो, क्योंकि सैलरी दी 1,00,000 तो टैक्सेबल है,
पूरी की पूरी 1 लाख टैक्सेबल है। आप एक काम करो, सैलरी का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन डालो यूआरपीएफ में, तो मतलब 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन चल जाएगा, दैट वुड बी एग्जिम, और 50,000 मुझे दे दो। लेकिन आगे गड्ढा है, रुको रुको, तो यहां तो पढ़ लो आप एग्जिम फ्रॉम टैक्स। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तब पूरा एग्जिम्ड है। ओके ग्रेट। और पीपीएफ, पीपीएफ में एम्प्लॉयर रहता ही नहीं, ये तो सेल्फ के लिए, तो यहां कोई एम्प्लॉयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं। ओके तो पहला समझ में आ गया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। चलो एक बार गो थ्रू करो। ओके ग्रेट। फिर दूसरा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर, देखो क्या, तो जब आप जीटीआई निकालते हो आपकी पूरी इनकम निकल जाएंगी, ग्रॉस टोटल इनकम। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? मैंने बताया था आपको कि इट इज इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स, इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, हेड्स ऑफ इनकम, राइट? लाइक कौन कौन से? सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन एंड फिर अदर सोर्स। ये सब की इनकम आप कैलकुलेट करेंगे, इसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें मिलते हैं आपको डिडक्शंस, है ना, डिडक्शन। तो डिडक्शन ऐसे, जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बोलते हो, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे पैसे को, जैसे पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया, या फिर एलआईसी में, आपने सुनते होंगे एलआईसी में इन्वेस्ट किया है पैसा, या फिर कहीं मान के चलो ट्यूशन फीस में पैसा लगा, तो ये सब जो है ये 80C में आते। तो वैसे ही एक 80C में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो एम्प्लॉय खुद कॉन्ट्रीब्यूट करता है, खुद कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसका उसे डिडक्शन मिलता है 80C में, और फिर ये बचती है आपकी टैक्सेबल इनकम, इसी को बोलते हैं टोटल इनकम भी, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें से डिडक्शन माइनस होने के बाद टोटल इनकम या टैक्सेबल में, तो जो एम्प्लॉय खुद कॉन्ट्रीब्यूट करता है अमाउंट, उसका डिडक्शन उसे किस में मिलता है? 80C में। तो देखो वहां पर लिखा है, सो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अगर स्टैच्यूटरी फंड है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल, अगर रिकॉग्नाइज है तो भी अवेलेबल है, अनरिकॉग्नाइज में वो अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर एम्प्लॉय अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब उसका एम्प्लॉयर का जो फंड है वो अनरिकॉग्नाइज है, यूआरपीएफ है, और उसमें एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो जाएगा, दैट इज Not allowed as deduction under section 80C, right? But PPF में वो available है ना, खुद PPF में अपन self contribution करें वो भी allowed, okay? चल great. फिर interest credited to provident fund, right? तो interest जो credit होगा उसके बारे में देखो, तो statutory provident fund का जो interest है वो exempt, है ना, वो पूरा का पूरा exempt, जो interest आपको statutory provident fund का मिलेगा। फिर यहां पर देखो एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम, मतलब वो इंटरेस्ट अगर मिला 12% तो फिर 2.5% टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूसिट 2.5% एम्प्लॉय के हाथ, समझे आप? तो कितने एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट है बेटा? 9.5, जैसे ऊपर था ना ये 12% तक कॉन्ट्रीब्यूशन, वैसे इंटरेस्ट कितने परसेंट तक? 9.5। ओके फिर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, अरे फिर से गड़बड़ हो गया, यूआरपीएफ अच्छा दिख रहा है, अनरिकॉग्नाइज का पूरा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, देखो एम्प्लॉयर का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट, फिर इंटरेस्ट जो मिला वहां से वो भी एग्जेम्प्ट, कितना अच्छा यूआरपीएफ। आप क्यों ऐसे बोल रहे हो सर? रुको रुको रुको, अगले पॉइंट में समझ में आएगा, राइट? और पीपीएफ से भी जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगेन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो पीपीएफ से भी इंटरेस्ट आपको मिला तो एग्जेम्प्ट। सिर्फ रिकॉग्नाइज में कितना परसेंट? 9.5% तक, राइट? ऊपर का जो भी 8.5% मिला तो पूरा एग्जेम्प्ट, 10% मिला तो 0.5% टैक्सेबल। ओके ग्रेट, तीन पॉइंट समझ में आ गए आपके।
अब चौथा पॉइंट देखो, लमसम पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो जैसे मैंने बताया, जब एम्प्लॉय रिटायर होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे आप आशीष सर को याद करेंगे, याद करेंगे. क्यों याद करेंगे? क्योंकि देखो मैं टैक्सेबिलिटी बता रहा हूं अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो देखो, अगर आप स्टैच्यूटरी फंड है आपका और आप रिटायर हो गए, अब फंड से आप पैसा निकालोगे, रिटायर हो गए ना आप, तो फंड से पैसा निकाला तो देखो तब पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा इन केस ऑफ स्टैच्यूटरी. तो वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन डालते समय भी एग्जेम्प्ट था, एम्प्लॉय का 80C में डिडक्शन, और पूरा निकालते समय बाहर पैसा निकाला तब भी पूरा एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट, पूरा 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 एग्जेम्प्ट. राइट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड देखो, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द इफ इन कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ इक्वल टू और मोर देन 5 years. तो क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में, अब फंड से पैसा निकाल रहे हो रिटायरमेंट के टाइम, तो वो बोल रहा है कि ये तभी एग्जेम्प्ट होगा ये फंड में से जब पैसा निकालोगे आप, तो आपकी इनकम होगी ना, फंड से पैसा निकाला तो इनकम होगी, लेकिन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर आपके सर्विस का टेन्योर कितना है, 5 साल, मिनिमम 5 साल होना चाहिए, 5 या उससे ज्यादा, तो ही एग्जेम्प्ट. अगर आपका टेन्योर 5 साल से कम है तो फिर ये जो पैसा है ये आपका टैक्सेबल बन जाएगा. मतलब मान के चलो कि आपको 4 ही साल सर्विस में हुए और आपने रिटायरमेंट ले ली, तो फिर इट इज टैक्सेबल, वो पैसा ले लिया आपने, वापस निकाल लिया, तो ये फंड का जितना भी पैसा आप निकालोगे ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. अब देखो दूसरा एग्जाम्पल एक लेके देखो, मान के चलो कि आप ऑर्गेनाइजेशन ए लिमिटेड में थे, ऑर्गेनाइजेशन ए लिमिटेड में थे, अब वहां पे आपका सर्विस हुआ, सर्विस 3 ईयर का, सर्विस हुआ आपका 3 इयर्स का, और आपका ये फंड में पैसा जमा हो गया, ये फंड मान के चलो 10 लाख रुपए जमा हो गए, 10 लाख, और आपने वहां से रिटायरमेंट ले लिया. क्यों? क्योंकि अच्छी फर्म नहीं, अब आपको बी लिमिटेड में जाना है, बी लिमिटेड. ओके, ये कौन सा है, आरपीएफ वाली बात करिए अपनी, और ये भी आरपीएफ, यहां भी आरपी, राइट. तो देखो अब आप क्या करो कि ये फंड से पैसा निकाल के, मतलब ये कंपनी से आपने फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, अब ये कंपनी का जो आरपीएफ अकाउंट रहेगा आप उसमें ये पैसा ट्रांसफर करवा दो, निकालो मत पैसा, पैसा निकालो मत. मैं सजेस्ट करूंगा आपको टैक्स प्लानिंग कि आप ये पैसा मत निकालो, आप ये पैसा यहां से ये कंपनी के आरपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. ओके, तो अब यहां पे आपने मान के चलो सर्विस की अगेन 3 इयर्स, और फिर अच्छा ये कंपनी में पुराना 10 लाख आ गया और नया ये कंपनी का फिर से 8 लाख जमा हो गया, और फिर आपने परमानेंट रिटायरमेंट ले ली, परमानेंट रिटायर हो गया, और उस समय आपने कितना विड्रॉ किया, विड्रॉ 18 लाख. अब बताओ कितना टैक्सेबल होगा? तो आप बोलेंगे सर इधर की भी सर्विस लेस देन 5 इयर्स हुई. नहीं, अब ऐसे केस में आपको दोनों का टेन्योर कैलकुलेट करना, मतलब ये 3+3 कितना हो गया आपका सर्विस, मोर देन 5, दैट इज 6. तो फिर ये विड्रॉवल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स. बट आप अगर यहां विड्रॉ करते थे ये 10 लाख पहले ही आप विड्रॉ कर लेते थे, तो यहां ये 10 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ता. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो द बेस्ट आइडिया टू ट्रांसफर यूर आरपीएफ अकाउंट टू अनदर कंपनी, बैलेंस आप बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनीज आरपीएफ अकाउंट, और फिर आप 5 साल का टेन्योर पूरा करो और 5 साल के टेन्योर के बाद पैसा निकालो. तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, एमसीक्यूज वगैरह पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आरपीएफ से विड्रॉ करते समय तभी पैसा एग्जेम्प्ट है अगर आपकी सर्विस पूरे 5 साल हो चुकी है, पूरे 5 इयर्स हो चुके. ओके, तो देखो वहां पे बोला है नीचे, अदरवाइज टैक्सेबल एज इफ इट इज यूआरपीएफ. यूआरपीएफ देखेंगे अपन, एक्सेप्शन क्या है देखो, सीबिल हो तो ये जो एक्सेप्शन मैंने बताया अभी आपको वो देखो लिखा है सेकंड में, देखते पहले, इफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज आरपीएफ अकाउंट मेंटेन्ड विद अनदर एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉयर, इन सच अ केस द पीरियड ऑफ सर्विस विद द फॉर्मर एम्प्लॉयर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड फॉर
काउंटिंग द 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस. तो फॉर्मर पीछे वाले एम्प्लॉय की भी टेन्यूअर ऑफ सर्विस अपन गिनेंगे इसमें. और दूसरा क्या केस हो सकता है, 5 साल के पहले आपने पैसा क्यों निकाला, देखो पहले पैसा क्यों निकाला ये ए लिमिटेड से, अब आप दूसरे कंपनी में नहीं गए और 3 साल में ही आप पहली कंपनी से बाहर निकल गए, रिटायर हो गए. क्यों हो गए, देखो बिकॉज ऑफ टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ और कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस और सम अदर रीजन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय. तो हो सकता है आप इतने बीमार हो गए, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर, एड्स, ऐसे बीमारी हो गया जिसके वजह से अब आपको आप काम कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू वर्क. तो ऐसे केस में फिर वो जो पैसा आप विथड्रॉ कर लोगे वो टैक्सेबल नहीं होगा, भले क्यों ना आपकी सर्विस 5 साल की नहीं हुई. आर यू गेटिंग द पॉइंट? या फिर कॉन्ट्रैक्शन या डिसकंटिन्यूएशन, मतलब एम्प्लॉयर का बिजनेस ही कम कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिसकंटिन्यूएंस, अब वो मेरे हाथ में थोड़ी है. हमने कंपनी ज्वाइन किया और 2 साल में कंपनी डूब गई, अब हम क्या करें भाई? तो जो भी पैसा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ था वो हम विड्रॉ करेंगे तब कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं. ओके, समझ में आया एक्सेप्शन? ग्रेट. अब ऐसा क्यों बोला अदरवाइज टैक्सेबल एज यूआरपीएफ, वो अभी देखते हैं. देखो अब क्या क्या हुआ था, पहले अनरिकॉग्नाइज में देखो, जब हमने पैसा एम्प्लॉयर ने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया था तब एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स था, फिर इंटरेस्ट भी था वो भी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स था जब मिला था, जब पैसा एम्प्लॉयर ने डाला था तब भी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट था. अब देखो क्या होगा, जब अब आप पैसा निकालोगे यूआरपीएफ में से, यूआरपीएफ में देखो स्टैट्यूटरी में एग्जम्प्ट है, यहां भी एग्जम्प्ट है, बट जब यूआरपीएफ से आप पैसा निकालोगे तब एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ के, मतलब उसमें यूआरपीएफ में एम्प्लॉयज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ के बाकी सब चीजें टैक्सेबल है. तो देखो क्या बोलता है, यहां एम्प्लॉय करो, आप गलती से एम्प्लॉयर हो गए एम्प्लॉई. तो देखो एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एम्प्लॉय जो यूआरपीएफ में पैसा है उसमें जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज एग्जम्प्ट, बट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस. याद रखेंगे एम्प्लॉयज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला हुआ, ये देखो अपन ने किया ही है ना, एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस में, अदर सोर्स. और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर ने जो देखो अर्लियर इट वॉज एग्जम्प्ट, देखा आपने अर्लियर इट वॉज एग्जम्प्ट, बट जब आप निकालोगे अब तब एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उस पे का इंटरेस्ट दोनों टैक्सेबल होंगे एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. तो देखो वहां पे लिखा एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टिल डेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अंडर एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. समझ में आया? तो देखो कितना नुकसान है यूआरपीएफ में, आरपीएफ में एटलीस्ट आपका वो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन तो भी एग्जम्प्ट है, यहां तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो एम्प्लॉयर का जितना है जब निकालोगे तो पूरा का पूरा टैक्सेबल. आरपीएफ में एटलीस्ट 12% तक एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट एटलीस्ट 9.5% तक एग्जम्प्ट, यहां तो पूरा इंटरेस्ट टैक्स. समझ में आया? तो एम्प्लॉय का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, लेकिन एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल, और ये जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी हेड, जब वो पैसा निकाला जाएगा. अब इसमें कोई सर्विस का टेन्योर का नहीं, 5 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा कोई कभी भी निकालो आप, 10 साल के बाद भी निकालो फिर भी टैक्सेबल. ओके, एंड पीपीएफ इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट, पीपीएफ का भी पैसा निकालो तो फुल्ली एग्जम्प्ट. अच्छा, ये एग्जम्पशन क्यों दिए गए आपने सोचा होगा, एम्प्लॉयज के 10,000 में से 1,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ये एग्जम्पशन क्यों? अरे देखो इनको सेविंग की आदत लगनी चाहिए, है ना, पीपीएफ में या पीएफ में ये पैसा सेव करेंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पे इनके पास जब कोई सोर्स नहीं होगा तो ये पैसा मिल जाएगा उनको लमसम. आपने भी देखा होगा आपके घर में पूछो ये पैसा एक साथ मिलता है तो बड़ी खुशी होती है,
तो धीरे धीरे ही पूरे टेन्योर ऑफ सर्विस में धीरे धीरे पैसा डालते जाते और फिर एक साथ मिल जाता है, राइट? तो बड़ी खुशी होती। तो नहीं तो फिर एक गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, हर एम्प्लॉय बोलेंगे अरे गवर्नमेंट पैसे दो, ओल्ड एज होम खोलो, फिर उनको पालो। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है ये सब नहीं, आप ही के सैलरी से कॉन्ट्रीब्यूट करो, हम एग्जम्पशन देते ना, देते एग्जम्पशन, आप पहले कॉन्ट्रीब्यूट करो भाई, बुढ़ापे में आप हमारे सर पे बैठ जाओ, इससे अच्छा आप ही के सैलरी से पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करो और उसमें डालो, ताकि रिटायरमेंट पे हम ये पैसा सब आपको दे देंगे, टैक्स फ्री दे देंगे भाई, लेकिन आप अपना पैसा डालो। समझ में आया आपके? यहां पे एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज ओन। फिर देखो सैलरी जो करना है आपको 9.5% या 12%, वो क्या है देखो, ये सेम एचआरए जैसी बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। ओके, तो सैलरी की डेफिनेशन भी दी आपको, देखो। ओके ग्रेट, अब देखो ये बड़ा मजेदार है, ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ यूआरपीएफ टू आरपीएफ, बड़ा मजेदार है। देखो कैसे, ये पहले समझा देता हूं। अब मान के चलो ये ए लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड में अपने 10 साल की सर्विस की, 10 ईयर सर्विस, और इसका यूआरपीएफ अकाउंट ए लिमिटेड में यूआरपीएफ अकाउंट। ओके, तो इसमें क्या किया आपने, मान के चलो एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेट से 25% और उस पे का इंटरेस्ट लेट से 12% पर एन। ओके, ये इंटरेस्ट, राइट? अब इसमें मान के चलो आपके 10 साल तक जमा हो गए अमाउंट कलेक्टेड, अमाउंट कलेक्टेड इन फंड लेट्स से 10 लाख रुपए जमा हो गए। ओके ग्रेट, अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया कि ए लिमिटेड से नौकरी छोड़ दिया 10 साल बाद, और आपने क्या किया कि ये जो 10 लाख फंड का जमा था आपका यूआरपीएफ में, ये 10 लाख यूआरपीएफ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, बी लिमिटेड, जिसका आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, और उसमें ये पूरा पैसा आरपीएफ अकाउंट में, आरपीएफ कितना, ये पूरा पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया यूआरपीएफ टू आरपीएफ 10 लाख। और फिर यहां एक साल काम किया आपने, तो ये 10 लाख रुपए आ गया यूआरपीएफ का, कुछ लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बोलने वाला हूं, राइट? और 1 लाख रुपए आ गया आरपीएफ का, तो टोटल कितना हो गया यहां पे 11 लाख। अब देखो ऐसा क्यों किया आपने, बी लिमिटेड में क्यों गए, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर मैं यूआरपीएफ का ये 10 लाख अभी यहां पे विड्रॉ करूं 10 साल बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 10 लाख। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐसी कंपनी में ज्वाइन करता हूं जिसका आरपीएफ अकाउंट है, और ये पूरा पैसा मैं वो आरपीएफ अकाउंट में डाल देता हूं, और एक साल भर वहां पे काम किया, वहां का पीएफ जमा हो गया 1 लाख, अब ये पूरे 11 लाख रुपए विड्रॉ कर ली। अब आपको मालूम है विड्रॉवल के टाइम पे आरपीएफ का पैसा एग्जम्प्ट होता है अगर 5 साल या उससे ज्यादा सर्विस हो गई, तो आपकी सर्विस तो हो गई 5 साल से ज्यादा, प्रीवियस एम्प्लॉयर की भी काउंट करना है, तो टोटल 11 साल हो गए, तो आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा, तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट। मजेदार है, एम्प्लॉय खुश, गवर्नमेंट दुखी, तो आपको क्या लगता है वो होने देंगे, ऐसा होने देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो अब उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने बोला कि ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, जो आपने 10 लाख ट्रांसफर किया, ये 10 लाख शिफ्टिंग के टाइम पे कितना टैक्सेबल करेंगे। अब देखो ध्यान दो, ये शिफ्ट किया, शिफ्ट, तो उन्होंने क्या बोला देखो कि ये यूआरपीएफ, अगर आप ऐसा करते हो यूआरपीएफ टू आरपीएफ जाते हो, तो एज इफ हम ऐसा मानेंगे कि यूआरपीएफ अकाउंट आरपीएफ अकाउंट है, और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, ये 25% किया, इसको 12% तक एग्जम्प्ट करेंगे, इसको 12% तक एग्जम्प्ट करेंगे। ध्यान से सुनो, मतलब एज इफ ऐसा मानेंगे कि यूआरपीएफ क्या था, आरपीएफ ही अकाउंट था, और 12% के ऊपर वाला जो है, मतलब 13%, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये 13% क्या हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल, 12% तक एग्जम करवाएं, राइट? तो मान के चलो कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो कितना आया, मान के चलो ये 13% वाला इन एक्सेस, ये 10 लाख में वो है, लेट्स से 13% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका 4 लाख का, और इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, राइट? तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट कितने परसेंट तक, अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट है, तो ये इंटरेस्ट 12% से, मतलब 2.5% वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? एग्जेम्प्ट, अच्छा एग्जेम्प्ट ना लिखते हुए अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट टैक्सेबल वाला ले लेंगे, कितना 2.5%, तो लेट से ये है 2 लाख, तो टोटल टैक्सेबल कितना हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख टोटल टैक्सेबल, और बचा हुआ मतलब बैलेंस, लेट से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक का है, 12% तक का ये है 3,50,000, और इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 9% जो कि एग्जेम्प्ट वाला है, ये कितना है 50,000, तो ये 4 लाख जो है ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि एज इफ हमने क्या माना कि ये यूआरपीएफ को आरपीएफ माना। अब ये 6 लाख कब टैक्सेबल होंगे, तो उन्होंने बोला जब ये पैसा जिस साल आप शिफ्ट करोगे यूआरपीएफ टू आरपीएफ, उसी साल ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 6 लाख वाला, पूरा का पूरा 6 लाख इसी साल टैक्सेबल होगा जब आप यूआरपीएफ अकाउंट से आरपीएफ अकाउंट में शिफ्ट करोगे, ओके? और फिर जब ये 11 लाख यहां से विड्रॉ करोगे, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना, एग्जेम्प्ट, क्योंकि इसके ऊपर, इसमें से जो 6 लाख यूआरपीएफ के या इन एक्सेस ऑफ 12% या 9.5% है, वो आप ऑलरेडी शिफ्टिंग के समय टैक्सेबल कर चुके हो, आया समझ में आपके? तो शिफ्टिंग के समय जब आप यूआरपीएफ टू आरपीएफ जाएंगे तो फिर वो टैक्सेबल करवा लें। सो एक गुजारिश है आपसे कि यूआरपीएफ से पैसा कभी ना निकाले, एटलीस्ट 12% तो एग्जम्पशन मिला भाई, या 9.5% तक इंटरेस्ट का तो एग्जम्पशन मिला, जो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला था वो एग्जम्पशन आपको मिल गया, गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा टैक्स प्लानिंग कर सकते हो आप, ओके? यूआरपीएफ है तो आखिरी की रिटायरमेंट के समय आप आरपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, ओके? देखो तो वो लिखा है वहां पे, इफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन यूआरपीएफ अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड टू आरपीएफ अकाउंट, देन यूआरपीएफ विल बी ट्रीटेड एज आरपीएफ फ्रॉम एवरी वेरी बिगिनिंग, मतलब पहले से उसको आरपीएफ ट्रीट करेंगे, हर कंट्रीब्यूशन 12% का एग्जेम्प्ट मानेंगे, एंड हेंस द एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, लिख लो इन एक्सेस ऑफ 12% और इंटरेस्ट का कितना 9.5% प्लस एक्सेस इंटरेस्ट 9.5% क्रेडिटेड टू द फंड फॉर एवरी ईयर शॉल बी कैलकुलेटेड एंड एग्रीगेट सम शॉल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, एड करेंगे मतलब टैक्सेबल होगा, ऑफ एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर इन विच कन्वर्जन टुक प्लेस, कन्वर्जन टू प्लेस कौन से ईयर में, जिस साल कन्वर्जन करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ओके? द होल ऑफ द अमाउंट इन यूआरपीएफ विल बी ट्रांसफर टू, जिस साल आप ट्रांसफर करेंगे उस साल एग्जेम्प्ट, उस साल क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, उस साल टैक्सेबल करेंगे। और फिर जब आरपीएफ से पैसा निकालो, वो भी लिख लो, जब आरपीएफ से पूरा पैसा विड्रॉ करोगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओके? फिर देखो अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, ठीक है, सिंपल। तो जो लोग प्रोविडेंट फंड में नहीं फंसते, जो एम्प्लॉयज यहां पे नहीं आते, वो उनके लिए एक अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड होता है, ओके? तो देखो क्या है, द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन, ये बिल्कुल सेम है प्रोविडेंट फंड जैसा, बस जिनको अप्लीकेबल नहीं है प्रोविडेंट फंड उनके लिए अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड इज एज फॉलोज। तो देखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एग्जेम्प्ट अप टू 1.5 लाख, तो वहां 12% था, यहां पे सीधा सीधा अमाउंट में 1.5 लाख पर एनम। द
दैट इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 1.5 लाख. तो अगर एम्प्लॉयर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में 1.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के अकाउंट, है ना, जैसा ये अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है, इसमें अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 1.5 लाख जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना टैक्सेबल, एक्सेस शैल बी टैक्सेबल. फिर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 80C का डिडक्शन मिलता है, सेम सेम है, कोई फर्क नहीं. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयज अकाउंट एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयज अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन का या एम्प्लॉय के, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट. ओके, ये सब चीजें लिख लो वहां पे, है ना, एम्प्लॉय के भी और एम्प्लॉयर के. एंड एग्जेम्पशन ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द फंड, जब पेमेंट करे, देखो सेक्शन 1013 गिव्स द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड इफ दे आर मेड, तो कब किए, टू द लीगल हेयर ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी. तो एम्प्लॉय मर गया और उसके लीगल हेयर को दिया तो एग्जेम्प्ट है. टू एन एम्प्लॉय इन सब्स्टिट्यूशन और इन कम्यूटेशन ऑफ एन्युटी और इज रिटायरमेंट एट और आफ्टर द स्पेसिफाइड और इफ बिकम्स इनकैपेबल प्रायर टू रिटायरमेंट. तो बीच में दे दिया, इनकैपेबल हो गया हो, उसके लिए उसको पैसा दे दिया हमने, या फिर इन द फॉर्म ऑफ रिफंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, डेथ होने के बाद, या फिर इन द फॉर्म ऑफ रिफंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन एम्प्लॉय लिविंग द सर्विस इन द सर्कमस्टांसेस अदर दोज मेंशन अबाउ टू द एक्सटेंड द पेमेंट डज नॉट एक्सीड द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन. सिंपल, कोई खास काम का नहीं, राइट. तो ये पैसा जो भी उसको निकालेगा सुपर एन्युएशन फंड से, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट. सिंपल है, खास काम का नहीं पड़े तो भी चले, राइट. और अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, डिडक्शन, राइट. तो देखो ये डिडक्शन क्या होते, तो एक्ट में क्या है कि हर हेड में, जैसा पांच हेड मैंने बताया आपको बहुत बार रिपीट किए, हर हेड में डिडक्शंस दिए हुए गवर्नमेंट. तो पहले टैक्सेबल सैलरी हमने इतना सारा निकाल लिया, है ना, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी वी कैन से, क्या क्या इंक्लूड किए, बेसिक पेमेंट, फिर अलाउंसेस देखे टैक्सेबल, फिर परक्यूजिट टैक्सेबल, एंड फिर देखे रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अब उसमें से डिडक्शन माइनस करना पड़ता है, डिडक्शन, और ये डिडक्शंस आपको सेक्शन 16 में दिए हुए, है ना, सैलरी के डिडक्शन सेक्शन 16 में दिए हुए. दो ही डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी में भी दो तीन डिडक्शन है, पीजीबीपी में बहुत डिडक्शंस, राइट. तो ये डिडक्शंस जाने के बाद फिर जो इनकम आएगी इट इज नेट टैक्सेबल सैलरी बचेगी, राइट. तो देखते अब डिडक्शन, पहला है एंटरटेनमेंट अलाउंस. अब ये एकदम बेबुनियाद, कोई इसका मतलब ही नहीं, बकवास है एकदम, क्यों मैं आपको समझा. देखो एंटरटेनमेंट, अब कुछ लोग सोचेंगे एंटरटेनमेंट क्या होता है, अलाउंस, है ना. तो देखो क्या होता, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आप, है ना, तो अपने जो कस्टमर आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, उनको एंटरटेन करने के लिए एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा. देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देगा और बोलेगा कि आपके कस्टमर को एंटरटेनमेंट करो, मतलब अपने कस्टमर को, आपके मतलब अपने कस्टमर को, कंपनी के. एंटरटेन मतलब क्या, उनको खाना खिलाओ, दारू पिलाओ, या और कुछ करवाओ, केक खिलाओ, जो जो भी खिलाने खिलाओ, उसके लिए हम जो अलाउंस आपको देंगे उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, और वो अलाउंस फिर यहां पे एग्जेम्प्ट किया जाता, राइट. बट ये जो डिडक्शन अवेलेबल है दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. अब मुझे बताओ कौन सा इनकम टैक्स ऑफिसर आर द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या आसेसी आता है इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, वो क्या बोलता है, अरे चलो अपन चाय पी के आते, है ना. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर को एम्प्लॉय है तो उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस देगा, किस चीज के लिए, कि जो असेसी उनके सामने आते उनको खाना खिलाओ या फिर उनको चाय पिलाओ, उसके लिए. बेबुनियाद है, कुछ भी मीनिंग ही नहीं है इसका प्रैक्टिकल लाइफ, बट दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, राइट. तो आप ऐसा सब नहीं लिखेंगे बेबुनियाद है ये डिडक्शन एंड ऑल, राइट. तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है. हाँ, ऐसा प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, बट प्राइवेट सेक्टर में ये एक डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, राइट. तो देखो क्या बोलते,
द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन अ ग्रॉस सैलरी, पहले ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करो एंड देन डिडक्शन अलाउड करो इसका 16(2) में. फॉर दिस पर्पज एम्प्लॉय हैव डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज. तो देखो पहला कौन है, सेंट्रल और स्टेट, और दूसरा अदर एम्प्लॉय. तो अदर के लिए तो फुल्ली टैक्सेबल है, नॉट डिडक्शन अलाउड, मतलब उनके ग्रॉस सैलरी में एड किया उसके बाद कोई डिडक्शन, फुल्ली टैक्स. और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहां भी लोकल अथॉरिटी एंड स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है, मतलब इनके हाथ में भी टैक्सेबल. और स्टेट और सेंट्रल के हाथ में एग्जम्प्ट कितना देखो, या डिडक्शन कितना, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड लिस्ट है ऊपर पढ़ाई नहीं मैंने, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट. तो कितना देखो, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यहां बेसिक लिखा है, यहां डीएवीए कुछ नहीं या कमीशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसिक, और 5,000 पर एनम या विच एवर इज लेस. हम मुझे बताओ बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ से लेस किसकी होगी, मैं बोला नहीं बकवास एकदम. तो इतना एग्जेम्पशन दिया तो लिस्ट क्या आएंगे, जो भी आएंगे राइट. तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन. और दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप अब जॉब पे लग गए तो हर एक की जवाबदारी है कि आप एक टैक्स भरो जिसका नाम है प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स. आप एम्प्लॉयमेंट में लग गए ना, तो अब वो एम्प्लॉयमेंट पे लग गए इसलिए आप एक टैक्स भरो. अच्छा ज्यादा नहीं हो, 200-250 रुपए पर मंथ होता है, 2,500 रुपए साल का आपके पापा का कटता होगा. देखो पूछो आप, 200 रुपए पर मंथ कटता है वो टैक्स, और फिर मार्च महीने में 300 रुपीज काट ले तो 2,500 रुपए हो जाता. अच्छा ये सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं है, ये बिजनेसमैन को भी भरना पड़ता है 2,500 रुपए पर ईयर, 2,500 रुपए, और फिर उसका डिडक्शन मिलता है. ओके तो देख, द प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इज लेविड बाय स्टेट अंडर आर्टिकल 276 एंड अलाउड एज डिडक्शन. तो पहले इनकम माना जाएगा. देखो डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द ईयर इन विच प्रोफेशनल टैक्स इज पेड, मतलब अगर वो ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया तो फिर उसका डिडक्शन नहीं. If it is due and not paid, then no deduction, right? तो देखो if the but दूसरा if the actual payment basis पे deduction है, कहने का मतलब if the employer pays the professional tax on behalf of employee, तो अब employer ने ही employee का tax pay कर दिया, तो इसे क्या माना जाएगा, पहले perquisite और फिर salary में include करेंगे और उसके बाद deduction देंगे. देखो it is first included in the सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय बिंग इट इज परक्यूजिट. हमने देखा था अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स पे कर रहा है तो उसे परक्यूजिट बोलते, एंड देन द सेम अमाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम अ ग्रॉस सैलरी. तो सिर्फ ये दो डिडक्शन है सैलरी एड, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स. अच्छा ये प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सभी एम्प्लॉयज के केस में डिडक्शन, बट एंटरटेनमेंट अलाउंस only in case of government employees. Okay? So, इसके बाद जो है यह है final chart आपका. ये chart में basic दिया आपको कि salary किसके लिए क्या क्या, HRA के लिए क्या, gratuity के लिए, leave salary, employers RPF, फिर POGA, अगर gratuity covered by POGA होगा तो RFA के लिए क्या, entertainment allowance के लिए क्या, और specified employees के लिए. तो ये chart दिया है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, right?